हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अनामिका किचन में मूंग दाल का हलवा बनने वाला है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, वीडियो के सारे स्टेप को देखिए, आपके भी घर में ऐसे ही लाजवाब हलवा बनके तैयार होगा। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमने 200 ग्राम मूंग दाल लिया है। आप ध्यान से देख लीजिए, मूंग दाल ऐसा ही होता है। अब हम पहला स्टेप लेंगे कि दाल को भिंगा देंगे। तो हम इसे एक बड़ा बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि भींगने के बाद इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। इसमें हम डालेंगे पानी, जितने में ये डूब जाए उतना ही हमें पानी डाल के और इसे रख देना है ढक के। 4 घंटा हो चुका है, अपना मूंग दाल अच्छे से फूल चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। हमने यहाँ एक खाली बोल पे अपना स्ट्रेनर रख लिया है और उसमें दाल को स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद हमें इसे 2 मिनट तक रख देना है। हमने 2 मिनट तक दाल को स्ट्रेनर में छोड़ा, टोटल पानी निकल चुका है। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो हम एक मीडियम साइज का मिक्सर जार ले लिए हैं और इसमें अपने दाल को डाल देंगे। ध्यान रहे, दाल में हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। तो हम इसे चलिए पीस लेते हैं, बिल्कुल दरदरा पीसना है हमें। हमने मूंग दाल को पीस लिया है। आप ध्यान से देखिए कितना बढ़िया ये पेस्ट बना है, ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा बारीक हुआ है। तो हमें ऐसे ही हलवा के लिए दरदरा पेस्ट बनाना है। इसे हम एक बोल में निकाल ले रहे हैं। दाल का पेस्ट हमने निकाल लिया है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाही ले लिया है और कढ़ाही में हम डालेंगे 1 कटोरी घी। तो यहाँ पे हम सभी मेजरमेंट कटोरी से ही करेंगे, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में घी डाली जाती है। घी में कंजूसी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपना हलवा सही नहीं तैयार होगा। घी को हम मेल्ट होने देंगे और साथ में हम डाल देंगे अपनी ये पेस्ट जो मूंग दाल का हमने बनाया है। तो ऐसे हम डाल देंगे इसमें। ध्यान रहे, हमें पानी यूज नहीं करना है, तभी अच्छे से ये भून पाएगा। और हम स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से भूनेंगे। भूनने में काफी टाइम लगेगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, अपना घी हलवा ने पूरा अब्सॉर्ब कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे हम भूनेंगे वैसे वैसे घी अपना फिर छूटेगा, तभी ये फाइनल भुना हुआ कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, जब हम घी में पेस्ट डाले थे तो पेस्ट का कलर कैसा था और अपना पेस्ट भी काफी चिपचिपा सा था, लेकिन जब हम घी में भूने हैं इसे 10 से 12 मिनट, तो ये बिल्कुल फरहरा सा हो गया और इसके कलर में भी निखार आ गया है। अब हम इस स्टेज पे 2 चम्मच और घी डालेंगे। आप सभी को पता है, हलवा और लड्डू बनाना हो तो घी की मात्रा पर्याप्त होती है। और इसे हम 10 मिनट तक और भून लेंगे, जिससे अपने हलवा का कलर अच्छा हो जाए और इसमें से बहुत ही सुंदर सी खुशबू आने लगे। तो चलिए हम भून के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, हमने काफी पेशेंस के साथ हलवा को भूना है, बिल्कुल खुला खुला तैयार हुआ है। आप भी देख लीजिए, इसमें आप घबराइएगा मत, आपके भी घर में ऐसे ही हलवा तैयार होगा। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पे हम 1/2 लीटर दूध डालेंगे। आप दूध के साथ पानी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन प्योर दूध का बना हुआ हलवा काफी जायकेदार होता है। अब हम तेज फ्लेम पे काफी टाइम तक इसे पकाएंगे, जिससे कि अपना हलवा फिर पहले जैसा भुरभुरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, दूध डालने के बाद हमने इसे 7 से 8 मिनट तक पकाया है। आप देख सकते हैं, सारा अपना दूध अब्सॉर्ब कर लिया है। इस स्टेज पे हम शक्कर डालेंगे। तो हमने आपको बताया, हम इसी कटोरी से सारे मेजरमेंट कर रहे हैं, घी, शक्कर और दाल भी लिया हमने। साथ में हम डाल देंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ पे हमने 8 इलायची को दरदरा कूट लिया है, उसे भी डाल देंगे। सबको पता है इलायची पाउडर से कितना अच्छा खुशबू हलवे में आता है। तो यहाँ पे शक्कर डालने के बाद फिर पीला होगा अपना हलवा, लेकिन हम भून के उसे फिर अच्छे से हलवा का
दे देंगे। शक्कर डालने के बाद अपना हलवा फिर से गीला दिख रहा है, लेकिन हम जैसे जैसे इसे भूनेंगे वैसे वैसे ये ड्राई होते जाएगा। तो सारे काम आप ध्यान से कीजिए। देख सकते हैं हमने दूध के साथ अच्छे से हलवा को पका लिया है, पहले जैसा अपना हलवा फिर खिलने लगा है। इस स्टेज पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम को हमने काट लिया है, पिस्ता काट लिया है, कुछ किशमिश है, सबको हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे भून के भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, उससे स्वाद और बढ़ जाता है। अब हम ड्राई फ्रूट्स के साथ 2-3 मिनट तक और पका के हलवा दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अपना हलवा फिर से खिला खिला बिल्कुल होटल जैसा तैयार हो गया है। ऐसे ही आप भी हलवा बनाइए। चलिए हम फ्लेम को ऑफ कर ले रहे हैं और इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया मूंग दाल का हलवा बनाना कितना आसान है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल में बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, 2-4 बातों की ध्यान रखेंगे तो आपके भी घर में ऐसे ही हलवा बनेंगे। मेजर का ध्यान रखिए, पेशेंस के साथ इसे भूनिए, हलवा बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी आपको रेसिपी। धन्यवाद।